यूके में बढ़ते बिजली के दामों और भारी टैक्स का सामना कर रहे नागरिकों ने महंगाई के खिलाफ पाकिस्तान के पीओके में प्रोटेस्ट छेड़ दिया, जो कि हिंसक हो गया है। अधिकारियों ने यह भी जानकारी दी कि अवामी एक्शन कमेटी ने पूरे क्षेत्र में चक्काजाम और हड़ताल का ऐलान किया। इस दौरान पुलिस और एएससी के बीच हिंसक झड़पें भी हुई, जिसमें सीने पर गोली लगने की वजह से एक पुलिस अधिकारी की मौत हो गई। 90 से ज्यादा पुलिस अधिकारी और प्रदर्शनकारी शामिल है। दरअसल अवामी एक्शन कमेटी ने बढ़ती महंगाई के चलते पीओके में प्रोटेस्ट, लॉन्ग मार्च और चक्का जाम का ऐलान किया था, जो दूसरे दिन हिंसक हो गया। आपको बता दें कि पाकिस्तान मीडिया के मुताबिक मीरपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कामरान अली ने बताया कि सब इंस्पेक्टर अदनान कुरैशी की इस्लामगढ़ शहर में सीने में गोली लगने से मौत हो गई। दरअसल वो रैली को रोकने के लिए पुलिस कर्मियों के साथ तैनात है, जिस दौरान गोली लगने से उनकी मौत हो गई। राज्य में विरोध प्रदर्शन और चक्का जाम के ऐलान की वजह से बाजार, ऑफिस, स्कूल और रेस्टोरेंट बंद रहे। विरोध प्रदर्शन के दौरान भीमबार, मीरपुर और कोठरी इलाके से बड़ी संख्या में लोगों ने मुजफ्फराबाद की ओर मार्च किया। आपको ये भी बता दें कि ये विरोध प्रदर्शन तब हिंसक हो गया जब इस्लामगढ़ के पास ही पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई। पुलिस प्रदर्शनकारियों का रास्ता रोकने के लिए तैनात थी, जिस पर पुलिस ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने तैनात पुलिस पर गोलियां चला दी, जिसे मीरपुर के सब इंस्पेक्टर अदनान कुरैशी के सीने में गोली लगी। अस्पताल ले जाने के बाद पुलिसकर्मी की मौत हो गई, जबकि 3 प्रदर्शनकारी भी गंभीर रूप से घायल हो गए। इस बीच विरोध प्रदर्शन और गुस्साई भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस ने कोठली में आंसू गैस के गोले छोड़े। प्रदर्शनकारियों द्वारा किए गए पथराव के दौरान कई पुलिसकर्मी और प्रदर्शनकारी भी घायल हो गए। हिंसक प्रदर्शनकारियों ने पुंछ कोठली रोड पर एक मजिस्ट्रेट की कार के सहित कई वाहनों को क्षतिग्रस्त भी कर दिया। हिंसक घटनाओं के बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की और पीओके में दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि पथराव और झड़प में 11 पुलिसकर्मियों समेत 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए। पीओके की सरकार ने एएसी के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर सभी जिलों में समारोहों, रैलियों और जुलूसों पर प्रतिबंध लगा दिया। पूरे क्षेत्र में धारा 144 लागू की गई।